नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 मई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन के ड्राफ्ट पर शिक्षा विभाग ने लगाई मुहर। इस दिन तक जरूर करा ले रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट। राज्य के 250 पार्कों में लगेगा ओपन जिम। आईपीएल के इतिहास में पहली बार बने ये रिकॉर्ड्स। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें दरभंगा व पूर्णिया में नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU स्वीकृत दी गई है। बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है। 3 चिकित्सक डॉक्टर नशीम अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य केंद्र पंचगछिया सहरसा रजौली के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार और अरवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनीता कुमारी को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बरखास्त किया गया। मद्य निषेध विभाग में 1218 पदों के सृजन के लिए स्वीकृति दी गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन 45 राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में उपकरण उपस्कर कंप्यूटर इत्यादि सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल 71,99,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। बता दें कि इसके साथ ही कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है। आवास योजना में जिलों के लक्ष्य का 5% दिव्यांगों को मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि राज्य में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिलों के लिए तय कुल लक्ष्य का 5% आवास दिव्यांगों के लिए निर्धारित किया जाएगा, इसलिए इसे सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिला अंतर्गत किसी पंचायत में किसी विशेष कोटि में योग्य लाभार्थी उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में प्रखंड स्तर पर लक्ष्य का आंतरिक सामंजन किया जाए। इसी तरह अगर किसी प्रखंड में किसी कोटि विशेष में योग्य लाभार्थी उपलब्ध नहीं रहने पर जिला स्तर पर लक्ष्य का आंतरिक सामंजन किया जाएगा। वहीं जिला अंतर्गत संबंधित कोटि में योग्य लाभार्थी नहीं रहने पर राज्य को लक्ष्य प्रत्यर्पित किया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन के ड्राफ्ट पर शिक्षा विभाग ने लगाई मुहर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा विद्यालय अध्यापकों के चयन के लिए विज्ञापन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बता दें कि इस ड्राफ्ट पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके साथ ही इसे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत जल्द यानी कि 1-2 दिन में या आज ही कक्षा 1 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापकों के चयन के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। बता दें कि विज्ञापन निकालने का निर्णय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बिहार लोक सेवा आयोग के शीर्ष अफसरों के बीच हर मैराथन बैठक में ली गई है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे हथनी मंदिर के बारे में। हथनी महादेव गणेश धाम गया जिले का एक प्रसिद्ध आकर्षण स्थल है। यह मंदिर ब्रह्म योनि पर्वत पर बना हुआ है। यह मंदिर गया जिले में नैली रोड पर स्थित है। यह मंदिर चारों तरफ से प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको बरसात के समय सुंदर झरना देखने के लिए मिलता है जो पहाड़ में बहता है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा झील भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर चारों तरफ आपको पहाड़ जंगल का सुंदर दृश्य देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको छोटा सा कुंड देखने के लिए मिलता है जिसमें कमल के फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर लाल और सफेद कमल के फूल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी बना हुआ है जो पीने के पानी के लिए उपयोग किया जाता है। यह जगह बहुत सुंदर है और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको सिर्फ भगवान जी के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन करने के लिए मिलते हैं। हर्ष फायरिंग करना अब पड़ सकता है महंगा। आजकल हमें अक्सर यह देखने को मिलता है कि शादी जन्मदिन जैसे खुशी के मौके पर लोगों के द्वारा हर्ष फायरिंग की जाती है, लेकिन बता दें कि अब लोगों को हर्ष फायरिंग करना महंगा पड़ सकता है। दरअसल इस वर्ष मई तक हर्ष फायरिंग की वजह से 40 से अधिक घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा हर्ष फायरिंग को लेकर राज्य के सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और हर्ष फायरिंग से जुड़ी घटनाओं का पूरा ब्यौरा डाटाबेस के साथ मुख्यालय भेजने के लिए कहा गया है। इसके बाद हर्ष फायरिंग में उपयोग होने वाले सभी हथियारों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे और साथ ही इन्हें ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें भविष्य में कभी भी दोबारा हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस दिन तक जरूर करा ले रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट।
सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में कस्टमर्स को बैंक की ओर से महंगी चीजें और महत्वपूर्ण कागजात को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की सुविधा दी जाती है, लेकिन लॉकर के साइज के हिसाब से विभिन्न बैंकों के द्वारा उसके लिए विभिन्न शुल्क भी कस्टमर से वसूले जाते हैं। ऐसे में अगर आपने भी किसी बैंक में लॉकर ले रखा है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अगर आपने लॉकर ले रखा है तो आपके पास केवल 30 जून तक का समय है अपने लॉकर को रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट करने का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अनुसार लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए एग्रीमेंट के नियम 1 जनवरी 2022 को लागू हुए थे, जिसके तहत अब यह एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर होने चाहिए जो बैंकों के द्वारा अपने कस्टमर्स को मुफ्त में दिए जाएंगे। वैज्ञानिक तरीके से खेती कर पाएंगे गन्ना किसान। राज्य के गन्ना किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती कर पाए और साथ ही गन्ना के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो और गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो, इसके लिए राज्य के गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के 40-40 किसानों को समूह में प्रशिक्षित किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए राज्य में प्रखंड अथवा पंचायत स्तर पर 300 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम 14,000 रुपए की दर से खर्च होगा, जिसके लिए विभाग के स्तर से बजटीय प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि गन्ना किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए किसानों को उनके बैंक खातों के माध्यम से प्रशिक्षण भत्ता के रूप में प्रति किसान 100 रुपए भुगतान किए जाएंगे। विभाग के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यह कार्यक्रम 1 दिवसीय होगा। राज्य के 250 पार्कों में लगेगा ओपन जिम। राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 250 पार्कों में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा। बता दें कि जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम की सुविधा उन पार्कों में दी जाएगी जो आधा एकड़ या इससे अधिक क्षेत्र में होंगे। इसके साथ ही जिम करने के लिए समय भी निर्धारित किया जाएगा, जो कि सुबह 5:30 से 8 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के जिन जिलों में जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी उनमें बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, जहानाबाद, दरभंगा, पूर्णिया समेत कई जिले शामिल हैं। बिहार के ग्रामीण सड़कों पर लगेंगे हाई स्पीड कैमरे। बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और सुरक्षा को लेकर हाल ही में हुए रोड सेफ्टी की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य के जिलों के ग्रामीण सड़कों पर हर हाल में अक्टूबर तक कैमरा लगाने का काम पूरा करने का निर्णय लिया गया है, ताकि वैसे वाहन जो तेज गति से चलाए जाते हैं या गलत तरीके से चलाए जाते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई हो सके और साथ ही अगर सड़क दुर्घटना में कोई घायल होता है तो उसे तुरंत अस्पताल लाया जा सके। बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से उन सभी जगहों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है जहां कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें वे जगह शामिल होंगे जहां सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। मालूम हो कि सड़कों पर लगने वाले कैमरे को स्थानीय थानों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द सड़क पर होने वाली किसी घटना की जानकारी मिल सके। बता दें कि इसके लिए DTO स्तर पर सभी थानों को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होगी। कार्यालय अवधि के बाद काम लेने पर कर्मी करेंगे प्रदर्शन। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एम्प्लॉयज यूनियन प्रदर्शन के द्वारा 1 जून को राज्य के सभी जिला शिक्षा कार्यालय के साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय के समक्ष कार्यालय अवधि के बाद काम नहीं लेने, मनमाने ढंग से कर्मियों के वेतन रोक के आदेश को वापस लेने और राज्य स्तरीय कार्यालय में 2 दिवसीय साप्ताहिक अवकाश को पुनः बहाल और ऑफलाइन ऑनलाइन बैठकों के आयोजन पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। बता दें कि पहले इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और फिर अगर प्रदर्शन से बात नहीं बनती है तो आगे आंदोलन करने के लिए कदम उठाया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मोहनलाल महतो वियोगी के बारे में। मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म बिहार के गया में 1902 को हुआ था। बता दें कि मोहनलाल महतो वियोगी हिंदी साहित्य संसार की अत्यंत प्रखर प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 10 से अधिक पुस्तकों की रचना की। इनमें निर्माले, एक तारा और रजकन अपने हृदय स्पर्शी व्यक्तित्व के लिए सदैव स्मरणीय है। वियोगी जी का गद्य लेखन भी बेहद समृद्ध है। वह कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण विधाओं में समय समय पर प्रचुर लेखन करते रहे। राष्ट्र प्रेम की भावना से संयुक्त विचार पक्ष उनकी रचनाशीलता की बुनियादी पहलू है। उन्होंने अनेक मौलिक एवं अविश्वसनीय उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी है। वियोगी जी का काव्य राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। MDM खाने से बच्चों के बीमार मामले की जांच शुरू। बीते सोमवार को बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत टूटी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में MDM खाना खाने के बाद बच्चों की तबियत बिगड़ गई थी। ऐसे में अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से इस मामले की जांच करने को लेकर बीते दिन शिक्षा विभाग के राज्य निदेशालय से 3 सदस्यीय टीम उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंची। बता दें कि इन 3 सदस्यीय टीम में राज्य निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद मोतीरुर रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर कुमार शशि रंजन एवं APC रमेश प्रसाद शामिल है। इस दौरान टीम के द्वारा स्कूल परिसर में प्रेस सहित अन्य नामांकित सभी बच्चों के अभिभावकों से
बातचीत की गई, जिसमें यह जानकारी निकलकर सामने आई कि बच्चों को छिपकली गिरी खाना खिलाकर इलाज करवाने के बजाय घर भेज दिया गया था। वहीं जांच के बाद जिले के DPO राहुल चंद्र चौधरी ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा जांच किया जाए, जांच रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं जिस पर कार्रवाई किया जाएगा। राज्य के सभी अनुमंडल अस्पतालों में होगा पोस्टमार्टम। कई बार ऐसा होता है कि मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए काफी लंबी दूरी सफर तय करनी पड़ती है, जिससे कि परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन्हीं परेशानियों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब न केवल मेडिकल कॉलेज या जिला सदर अस्पताल में बल्कि राज्य के सभी अनुमंडल अस्पतालों में भी पोस्टमार्टम की सुविधा बहाल की जाएगी। बता दें कि निर्णय बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिया गया है। मालूम हो कि इसको लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जनों को स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ओर से पत्र भेज दिया गया है। बता दें कि राज्य के सभी अनुमंडल अस्पतालों में इस सुविधा की शुरुआत होने से पोस्टमार्टम के लिए लोगों को अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। जम्मू में हुए बस हादसे पर नीतीश ने जताया दुख। बीते दिन की सुबह श्रद्धालुओं से भरी अमृतसर से कटरा के लिए जा रही बस कोटली इलाके में खाई में गिर गई, जिससे कि बिहार के 10 लोगों की उसमें जान चली गई और साथ ही कई लोग घायल भी हो गए। वहीं इस घटना पर सीएम नीतीश के द्वारा गहरा दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में ईश्वर धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस घटना में मरने वाले लोगों के परिवारजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह अनुदान के रूप में 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इसके अलावा उन्होंने स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को निर्देश देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर हादसे में घायल लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था एवं हर संभव सहायता को सुनिश्चित किया जाए। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार बस में 70 से 75 लोग मौजूद थे। सोनू सूद बिहार के इस शहर में खोलेंगे स्कूल। सोनू सूद आए दिन अपने किसी न किसी बातों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर सोनू सूद चर्चा में आ गए हैं। दरअसल इस बार वो चर्चा में बिहार के उन प्रतिभावान बच्चों को लेकर आए हैं जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते। बता दें कि सोनू सूद ऐसे बच्चों के लिए जल्द ही बिहार में एक स्कूल खोलने वाले हैं। मालूम हो कि स्कूल बिहार के कटिहार में खोला जाएगा और इसके लिए उन्होंने कटिहार के एक इंजीनियर से भी मुलाकात की है, जो अपनी नौकरी छोड़कर अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोल रखे हैं। अब सोनू सूद के द्वारा इस स्कूल को भवन और अन्य आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि हम जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं उनका नाम वीरेंद्र कुमार महतो है, जो वर्तमान में 110 बच्चों को फ्री में शिक्षा और भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इस बारे में सोनू सूद के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया गया कि गरीबी से निपटने के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना जरूरी है, इसलिए हमारा उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना है ताकि उन्हें नौकरी के बेहतर अवसर मिल सके। कंटेनर पर लदे 50 लाख का शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन अवैध शराब के तस्करी से जुड़े मामले और तस्कर की गिरफ्तारी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला औरंगाबाद के टेंगरा गांव के समीप का है, जहां बारून थाना अध्यक्ष समीम अहमद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा NH-19 पर टेंगरा गांव के समीप पेट्रोल पंप छापेमारी कर शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया गया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस के द्वारा कुल 4,435 लीटर इंपीरियल ब्लू ब्रांड का विदेशी शराब बरामद किया गया और साथ ही 2 शराब कारोबारी को भी अपनी गिरफ्त में लिया गया, जिसकी पहचान राजस्थान निवासी के रूप में की गई है। बता दें कि जब्त की गई शराब की कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर की बताई जा रही है। बिहार में लगातार 5 दिनों तक बढ़ेगा टेम्परेचर। बिहार में पिछले एक हफ्ते के बाद एक बार फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में अभी अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं बन रही। प्रदेश में बढ़ते तापमान और चिलचिलाती गर्मी से पसीना छूटने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण पूर्व गंगीय पश्चिम बंगाल एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से राज्य में अगले 5 दिनों तक वर्षा का कोई अनुमान नहीं है। पूरे राज्य में गर्मी का सितम जारी रहेगा और अगले 5 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुछ जिलों में उष्ण लहर की संभावना है। नल जल हस्तांतरण की कवायद हुई तेज। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा हर घर नल का जल निश्चय योजना के PHED को हस्तांतरण किए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग को इससे संबंधित पत्र भेज दिया गया है। बता दें कि अब पंचायती राज विभाग की सहमति के बाद ही हस्तांतरण को लेकर संयुक्त दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंचायती राज विभाग के द्वारा सूबे के 58,000 वार्डो में 67,355 योजनाएं नल जल की क्रियान्वयन की जा रही है। इनमें कुछ काम अभी पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे में PHED को वही योजनाएं हस्तांतरित की जाएगी जो काम चालू अवस्था में है। वहीं कौन कौन से काम चालू अवस्था में है उसका निर्णय दोनों विभागों के कर्मी संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण के बाद करेंगे। सिमरिया गंगा
घाट का सीएम नीतीश ने किया शुभारंभ। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधिवत तरीके से पूजा और गंगा आरती करते हुए बिहार के सिमरिया धाम पर सुविधाओं के विकास के लिए उद्घाटन किया गया और साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि 114 करोड़ की योजनाओं को यहां तय समय के भीतर पूरा किया जाए। मालूम हो कि सिमरिया धाम के सौंदर्यकरण का काम जल संसाधन विभाग के द्वारा तैयार योजना के तहत करीब 114.97 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। बता दें कि इस परियोजना के तहत राजेंद्र सेतु और निर्माणाधीन 6 लेन नए पुल के बीच करीब 550 मीटर लंबाई में रिवर एज प्रोटेक्शन कार्य के साथ सीधी घाट बनाया जाएगा और उत्तरवाहिनी गंगा तट पर स्थित पावन सिमरिया धाम को बिहार सरकार की ओर से हर की पौड़ी हरिद्वार से भी सुंदर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। विपक्षी मीटिंग के बाद 4 बड़ी रैलियां करेंगी बीजेपी। एक और जहां ऐसी खबर चल रही है कि बिहार की राजधानी पटना में 12 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के 9 साल पूरे होने के खास मौके पर बीजेपी के द्वारा 30 जून तक खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत विपक्षी मीटिंग के बाद जून महीने में बिहार में 4 बड़ी जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें से एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। वहीं बाकी 3 रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य बड़े नेता हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि जनसभा का मकसद लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताना है और साथ ही यह भी बताना है कि बिहार के नीतीश सरकार ने अपने अहंकार में क्या क्या काम होने से रोका है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत में 1774 में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार 1921 में किया गया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में 1959 को शरण दी गई। बंबई में 1964 को इलेक्ट्रिक ट्राम अंतिम बार चली। बंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून 2010 में बनाया गया। भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में हुआ। आउटलुक के संस्थापक एवं प्रसिद्ध पत्रकार विनोद मेहता का जन्म 1942 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा का निधन 1988 में हुआ। भारत के वशिष्ठ निबंधकारों में से एक पूर्ण सिंह का निधन 1931 में हुआ। आज के दिन को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार बने ये रिकॉर्ड्स। आईपीएल का 16वां सीजन अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस साल हुए आईपीएल में कई ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जो आज तक आईपीएल के इतिहास में नहीं बनाए गए थे। बता दें कि इस बार आईपीएल के सीजन में 2 सगे भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से कृणाल पांड्या और गुजरात टाइटन्स की तरफ से हार्दिक पांड्या एक दूसरे के खिलाफ बतौर कप्तान मैदान पर उतरे। एक ही दिन में सीएसके बनाम पंजाब और राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैचों की 4 पारियों में 200 प्लस का स्कोर बना। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सीजन में कुल 12 शतक लगे हो। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में अपना 50 पूरा करते हुए इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा है। इसके अलावा आईपीएल 2023 का पहला मैच भी सीएसके और जीटी के बीच खेला गया था। वहीं अंतिम यानी कि फाइनल मुकाबला भी इन्हीं टीमों के बीच खेला गया। व्हाट्सएप के ऑनलाइन स्टेटस को छुपाएं ऐसे। अगर आप ही चाहते हैं कि जब आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो और आपको कोई ऑनलाइन ना देखे, तो व्हाट्सएप आपके लिए एक फीचर ला चुका है। बता दें कि इस फीचर के तहत आप चाहे तो सभी से अपने ऑनलाइन स्टेटस हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लोग आपका ऑनलाइन स्टेटस देख सकेंगे और कुछ नहीं। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। ऊपर दिखाई दे रहे 3 डॉट पर क्लिक करना है। अब आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद प्राइवेसी पर क्लिक करना है। यहाँ आपको लास्ट सीन एंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। अब आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स को लास्ट सीन दिखाना चाहते हैं तो माई कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करें। आप माई कॉन्टैक्ट्स एक्सपेक्ट पर क्लिक कर चुन सकते हैं कि आप किसे लास्ट सीन शो करना चाहते हैं। इसके अलावा एक नोबडी का ऑप्शन भी है। अब आपको आगे क्या करना है, नीचे दिखाई दे रहे ऑनलाइन वाले ऑप्शन में से सेम एज लास्ट सीन पर क्लिक कर देना है। आपका काम हो जाएगा। बालघर में आज हम बात करेंगे द ऑफिशियल एसबीआई के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे द ऑफिशियल एसबीआई के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक नकली संदेश प्रतिरूपण कर रहा है। द ऑफिशियल एसबीआई दावा करता है कि एक संदिग्ध गतिविधि के कारण प्राप्तकर्ता का खाता अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अपना बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए कहने वाली ईमेल एसएमएस का कभी भी जवाब न दे। ऐसे संदेशों की तुरंत report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें। आईआईटी व
एनआईटी के काउंसलिंग के लिए इस दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के द्वारा देश भर के 36,000 सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार आईआईटी व एनआईटी में एडमिशन के लिए 6 राउंड में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि इस काउंसलिंग का आयोजन जोसा के द्वारा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी, जिसके बाद छात्र अपने मनपसंद कॉलेज को लॉक कर लेंगे और फिर उसके आधार पर ही छात्र को मॉक सीट अलॉट किया जाएगा। बीते दिन मदर पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मदर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, कुश कुमार यादव, राम नवी मांझी, रनु गोलू कुमार, कुमारी संजना, पिंटू महतो, पीके पासवान, मोहम्मद सकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, अतीक खान, अजीत पंडित, राजेश कुमार यादव, राज किशोर महतो, मोहम्मद अफजल मंसूरी, विभा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।